What is up guys, welcome back to the channel, Assalamualaikum. यार एक ऐसा रेस्टोरेंट स्लैश कैफ़े है जो तुम लोग मुझे बड़े अरसे से कह रहे हो कि यार इसको प्लीज़ रिव्यू करें. और ये जो बर्गर प्लेस है, स्पॉयलर अलर्ट, बर्गर प्लेस जो है बर्गर बच्चों के लिए, इसको मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ. इनफैक्ट मैं इनसे तब से मंगवा रहा हूँ जब इनका प्रॉपर एक रेस्टोरेंट भी नहीं था. मेरे ख्याल से सिर्फ टेक अवे डिलीवरीज थी इनकी और तब से मतलब काफ़ी अच्छा था. मेरे साथ सिर्फ एक दफ़ा एक थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हुआ था जब मेरे कुछ ज़्यादा दोस्त थे, मैंने ज़्यादा ऑर्डर कर दिया था तो वो मज़े का बिल्कुल नहीं लगा था. लेकिन जब मैं हमेशा अपने लिए मंगवाता था तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बर्गर्स होते थे. एंड आई फेल्ट लाइक मार्केट के हिसाब से काफ़ी इनकी प्राइसेस भी कम थी तो मैं काफ़ी मंगवाता था. आज मैंने बहुत अरसे बाद इन लोगों से फिर से मंगवाया, एटलीस्ट कोई 6 महीने बाद मैंने इनसे मंगवाया. और अब इनकी मेरे ख्याल से 2 ब्रांचेस प्रॉपर खुल चुकी हुई है और इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाकों में. एनी वेज, टुडे वी आर गोना बी रिव्यूइंग द बर्गर कंपनी TBC और देखते हैं इनके बर्गर्स कैसे हैं. अच्छा तो भाई पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं साथ साथ हम लोग को बताता चाहूँगा कि मैंने क्या क्या मंगवाया. एक नहीं मंगवाया, काफ़ी सारे बर्गर मंगवाए हैं क्योंकि सारे ट्राई करने हैं हमने. अच्छा तो फर्स्ट पैकेट में हमें पहले 3 स्ट्रॉज मिलते हैं. एंड बाय द वे पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी है, ब्रांडिंग ब्रांडिंग सब कुछ. पहले इनका इस तरह नहीं होता था और अब जो ये है ना प्रॉपर लग रहा है, फास्ट फूड चेन है, ब्रांड लग रहा है प्रॉपर माशाल्लाह से. TBC प्रिंटेड इनके हमारे पास नैपकिन्स आ गए. इसके अलावा हमारे पास एक आ गया TBC डबल. इनकी मैं इसकी मैं सारी जो डिटेल्स हैं वो साइड पे लिख दूंगा. आई थिंक दिस इज़ द चिकन बर्गर, आई एम नॉट श्योर लेकिन प्रॉबेबली. और जो थर्ड बर्गर है वो है हमारे पास TBC का बीफ बेकन बीफ समथिंग, इसकी भी डिटेल मैं लिख दूंगा. तो सेकंड बैग मैंने खोल लिया. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ फ्राइज़ हैं. फ्राइज़ की क्वांटिटी ऑनेस्टली काफ़ी कम है लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन है, TBC का लोगो इस पर भी है. काफ़ी सारे फ्राइज़ अंदर गिरे हुए लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम है. थोड़े से फ्राइज़ गिरे हुए हैं तो वाई नॉट गिव अ टेस्ट. दे लिटरली लाइक OPTP के फ्राइज़ लेकिन उतने थिक नहीं है. OPTP के काफ़ी लंबे और थिक होते हैं. इनके लंबे और थिक नहीं, छोटे हैं लेकिन टेस्ट वैसे ही है. अच्छा तो जो लास्ट चीज़ है हमारे पास वो है इनके स्पेशल फ्राइज़ और हम लोग वीडियो इसी से स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोग ट्राई करते हैं इनके स्पेशल फ्राइज़. ओके तो स्पेशल फ्राइज़ इनके बेसिकली आई थिंक पिज़्ज़ा फ्राइज़ टाइप कुछ हैं. इसमें हम आपके पास फ्राइज़ हैं, उसके अलावा हेलपिनोज हैं और डिफरेंट सॉसेज हैं. एक तो चेडर चीज़ मुझे लग रहा है, दूसरी आई एम नॉट श्योर रैन सॉस है शायद, 100% कन्फर्म नहीं हो चाहिए लेकिन ट्राई करते हैं. मॉन्स्टर फ्राइज टाइप ये सिस्टम है. चलो जी अब बिग बाइट. हमारे पास इसमें हेलपिनोज भी हैं और सारी चीज़ें हैं. ओह वाओ ये तो बहुत मज़े के हैं यार. जो चेडर चीज़ है ना वो लिटरली इन फ्राइज़ को जायका दे रहा है. जो मेन इंग्रेडिएंट है यहाँ पे वो चेडर चीज़ है. बहुत मज़े के फ्राइज़ हैं और ये चेडर चीज़ और उसके अलावा हेलपिनोज भी हैं, तबाही. तो जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है द चिकन बर्गर. अब हम इसको ट्राई करते हैं. तुम लोगों को पता है आई डोंट लाइक चिकन बर्गर दैट मच लेकिन ट्राई करने के बेसिस पे मैंने ये मंगवाया. अच्छा वैसे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी उदास सा लग रहा है मुझे लेकिन खुशबू इसकी बहुत मज़े की आ रही है. ग्रिल्ड चिकन मुझे लग रहा है. ऊपर हमारे पास चेडर चीज़ है, लेटस है, बाकी कुछ सॉसेज हैं इनकी स्पेशल, आई एम नॉट श्योर कौन कौन सी हैं लेकिन है. तो बाइट लेते हैं. पैटी काफ़ी फ्लेवरफुल है. अच्छा डेफिनेटली काफ़ी मुझे ये डिफरेंट सा लग रहा है. इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन. मैंने ऐसा बर्गर खाया हुआ है लेकिन बहुत रेयरली. CGC का इससे मिलता जुलता है ग्रिल्ड. आई एम प्रीटी श्योर ये ग्रिल्ड इन्होंने अंदर पैटी डाला हुआ है जो कि मज़े का लग रहा है काफ़ी. और इसके अलावा इन्होंने हेलपिनोज भी डाले हुए हैं अंदर और चेडर चीज़ तो है ही है, बाकी बान शान और वो सारी चीज़ें काफ़ी मज़े की लग रही है. मैं इसको रिकमेंड जरूर करूँगा. अच्छा नेक्स्ट वी हैव द बारबेक्यू बेकन बर्गर. अच्छा ये सारे बर्गर्स जो हैं थोड़े मरे मरे हुए लग रहे हैं लेकिन आई एम प्रीटी श्योर अगर इसको मैं जा के खाऊंगा तो ये ज़्यादा मज़े के लगेंगे. अब जाहिर सी बात है वो रैप करके भेज रहे हैं तो वो स्क्विशी स्क्विशी से तो हो जाएंगे लेकिन एनीवेज ये हमारे पास बर्गर है. इसको हम लोग ट्राई करते हैं फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर था क्या क्या. हाँ
वाओ, अच्छा मुझे समझ आ गई इसके अंदर क्या क्या है। एक तो फर्स्टली बहुत ही मज़े का बर्गर है, ग्रिल्ड पैटी, उसके अलावा अनियंस हैं और कोई क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ है विच इज़ आई एम प्रीटी श्योर बेकन, बीफ बेकन, खुदा के लिए मुझे कैंसिल ना करना, बीफ बेकन है ये। हॉट डॉग वाली वीडियो पे भी किसी ने कमेंट किया था, हॉट डॉग्स आर हराम इन पाकिस्तान, अल्लाह के बंदो यहाँ पे बीफ के, चिकन के हॉट डॉग्स और बेकन भी इसी तरह बीफ का ज़्यादातर होता है, टर्की का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हाँ, इसमें हमारे पास चेडर चीज़ है, उसके अलावा बीफ का बेकन है, और हमारे पास लेटस है और हेलोपिनोज हैं और काफ़ी सारी सॉसेज हैं, लेकिन एक काफ़ी मज़े का बर्गर यार। जेन्युइनली जो बेकन है ना वो बहुत मज़े का लग रहा है इसमें, वो जो क्रिस्पीनेस ऐड कर रहा है ना इस बर्गर में, मैं कहता हूँ उफ, दिस इज़ वे बेटर देन द चिकन बर्गर। चिकन बर्गर काफ़ी सिंपल सा था, ये बहुत मज़े का यार, इतना फ्लेवरफुल बर्गर है ना, यकीन करो। अच्छा तो जो लार्ज बर्गर है हमारे पास वो है जी TBC का डबल, और हाँ इसको अब हम लोग अनपैक करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर इसमें तीन पैटीज हैं क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा पैटी डलवाया था, तो देखते हैं TBC का डबल अब, तो TBC का डबल अब ट्रिपल बन चुका है। उफ, ये चेक करो, ओके ये देखने में भी काफ़ी मज़े के, और जो इसका साइज है ना यार, यार चेडर चीज़, टोमेटोज, हेलपिनोज, आइसबर्ग और तीन पैटीज, उफ यार, और तीन स्लाइसेस हैं चीज़ के भी, बिल्कुल भी उन्होंने कंजूसी नहीं की। ट्राई करते हैं प्रॉपर जो बर्गर होता है ना बीफ का, उस जैसी शक्ल है इसकी। इतना मीटी बर्गर, प्रॉपर बर्गर, पैटीज हैं बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हैं, हल्के हल्के क्रिस्पी भी हैं और इतने भी हार्ड नहीं है कि आप उन्हें चबा ही ना सको, बिल्कुल परफेक्टली बने हुए हैं। और उसके अलावा चीज़ इसके अंदर भरा हुआ है और इतना मीट है ना इसके अंदर यार, कि चस आ गई खा के, हो गया वाओ, दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बर्गर प्लेसेस इन इस्लामाबाद, टॉप 3 तो मैं कह ही सकता हूँ इसको, बहुत मज़े का बर्गर है। तो जो TBC बर्गर है ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल बर्गर चाहिए, जो कि मुझे ज़्यादा मज़े का ये लगा है वैसे, क्योंकि बहुत सिंपल सा बर्गर है। जब मेरे दिमाग में एक बर्गर या हैमबर्गर की, जब मैं हैमबर्गर बोलता हूँ ना तो मेरे दिमाग में जो पर्टिकुलर पिक्चर आती है वो ही वाला फ्लेवर इसके अंदर है, और मैं वही चाहता हूँ, बहुत मज़े का बर्गर, प्रॉपर मज़े का बीफ बर्गर है। जो दूसरा था बारबेक्यू बेकन वाला, वो भी बहुत मज़े का था नो डाउट, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा फ्लेवरफुल था, समझ रहे हो, वो ज़रा इंग्लिश बर्गर लग रहा था मुझे, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये वाला रिकमेंड ज़्यादा करूँगा, इसके बाद मैं बेकन वाला करूँगा, इसके बाद मैं बारबेक्यू बेकन वाला करूँगा, और लास्टली मैं चिकन वाला करूँगा। चिकन वाला वॉज वेरी गुड, अगर आप लोगों को चिकन बर्गर्स पसंद है, चिकन सैंडविचेस पसंद है एक्चुअली, लेकिन अगर आप लोगों ने बीफ खाना है तो आई वुड रिकमेंड द TBC बर्गर और उसके बाद द बारबेक्यू बेकन। तो हाँ, दैट्स द एंड ऑफ द रिव्यू गाइस, मैं ये ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, मैंने तुम लोगों को सारी डिटेल्स बता दी हैं। बाय द वे, नन ऑफ दीज कंपनीज आर स्पॉन्सरिंग मी, मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बल्कि मैंने अपने पैसों से ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं और ये ट्राई कर रहा हूँ। तो हाँ, मैं ज़रूर तुम लोगों को ये रिकमेंड करूँगा जाके खाना, और हाँ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब इफ यू न्यू, और हमारा गोल है कि 2020 से पहले पहले और हमारा गोल है कि 2021 से पहले पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएँ, वी आर रियली रियली क्लोज, प्लीज़ हेल्प मी अचीव दिस गोल, एंड दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।